अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आए हुए हैं रोज़े रसूल की अंदर से ज़ियारत करने के लिए। जो ये आप कारपेट देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो रास्ता बना रखा है ये अंदर से रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के लिए ही बना रखा है। और इधर ये सब बेरियल बना रखे हैं और बड़ी दूर से घूम कर ये रास्ता आता है। यहाँ से शॉर्टकट से भी आ जाते हैं जब रस कम होता है, और रस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दूर से घुमा के लाते हैं। अभी ये जितना भी रस है और मैं भी सब घूम कर आए थे, जब ये रस यहाँ से कम हो गया तो इस शॉर्टकट से इन्होंने रास्ता खोल दिया। बहरहाल आगे वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह अंदर से रोज़े रसूल की ज़ियारत कराएंगे। और ये जो मस्जिद का कोना दिखाई दे रहा है, जो ईंटें हैं, तो ये जन्नती दरवाज़ा है, इसको बाबुस्सलाम भी कहते हैं। मैं अभी आगे आऊँगा तो मैं पूरा आपको दिखा दूँगा। माशाल्लाह बड़ा प्यारा झूमर लगा हुआ है शुरुआत में ही, और अभी हम चल रहे हैं सबके साथ में, तो थोड़ा वीडियो में बने रहें इंशाल्लाह। मैं अंदर से ज़्यारत कराता हूँ। देखो सबसे पहले झूमर नज़र आ रहा है। ये दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं, और अंदर वाली दीवार जो है उसमें राइट वाली साइड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे हुए हैं। ये सब कुरान शरीफ़ की आयतें हैं और ये काम करने वाले हैं जो नीली वर्दी में हैं। अब हम अंदर जा चुके हैं। ये सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम हैं, यहाँ से शुरू होते हैं और ये सब अंदर तक पूरी आखिर तक। और ये मस्जिद जो देख रहे हैं आप, ये पुरानी मस्जिद नबी है, और जो बड़ी मस्जिद है पीछे को वो अभी की बनी हुई है। माशाल्लाह अंदर से डेकोरेशन अच्छी कर रखी है। ये जो एरिया है, जो ये रास्ता है, अरबी में इसको तरीक बोलते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा है, तो साइड से जो है बंद कर रखा था और छोटा सा रास्ता खोल रखा था। और ये जो मैं आपको दीवार पे दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक हैं। ऊपर ये छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं और झूमर लटके हुए हैं। बड़ा प्यारा मंजर है माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग और आपके वालिदैन भी यहाँ पर आएँ और ये मंजर देखें, और हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं सब यहाँ आएँ। आगे जो है सुनहरी जालियाँ हैं। थोड़ा सा जो है वीडियो रुक रुक के चलेगी, क्योंकि रस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते, और लोग मोबाइलों में मसरूफ़ हैं तो वो देखते नहीं हैं कि हमें आगे भी चलना है। यहाँ पर माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत प्यारा कर रखा है। अच्छा, ये रास्ता पूरा खुला होता ना, जैसे कि आप वाइट कलर के कपड़े की दीवार देख रहे हैं, अगर ये भी हट जाती ना तो रास्ता बड़ा हो जाता, और जब बड़ा रास्ता हो जाता है ना तो फिर इतना रस नहीं होता अंदर। अभी छोटा सा रास्ता है तो रस ज़्यादा है, लोग जो है बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ चल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं, कुछ वीडियो बनाने में लगे हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं तो वो वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। हम तो खैर हमारा काम है तो इसलिए हम बना लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो परहेज़ करें इन सब चीज़ों से। जो बंदे यहाँ पर रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। आइए हम जो है जाली मुबारक की ज़ियारत करवा देते हैं। ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और ये सबसे पहले आप सरकार सल्लम की जाली मुबारक है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाली मुबारक है, और उसके बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाली मुबारक है। तो आप लोग भी दरूद शरीफ़ पढ़ लें और हम भी दरूद शरीफ़ पढ़ लेते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो दूसरों को शेयर भी करना।